वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ के बारे में डिस्कस किया था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिबगिंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज लाइब्रेरीज। सो व्हाई वी नीड द लाइब्रेरीज। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इन दैट इज व्हेन डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर सर्वर और डेस्कटॉप मशीन you are accustomed to having a huge array of possible libraries and frameworks available to make the life easier। ठीक है, तो मीन्स अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं सर्वर या डेस्कटॉप मशीन के लिए, ठीक है, सो टू कस्टमाइज और टू अकम्प्लिश दैट वी नीड द लाइब्रेरीज फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉर फ्रेमवर्क अवेलेबल सो दैट वी कैन मेक द that things very easy by using these libraries। So in embedded world tasks are often a little trickier, it gets better with the rise of system on chip offering and their use as embedded in Linux where the most of the server packages can be incorporated in the same way as you do on the normal Linux। ठीक है, तो यहाँ पे example दिया है embedded system के लिए। तो एम्बेडेड सिस्टम के लिए SoC दैट इज सिस्टम ऑन चिप, ठीक है, तो मीन्स SoC में आपका जो रैम रोम, ठीक है, या इंटरफेसिंग होगा ये सभी सिस्टम ऑन चिप पे होगा, मीन्स ऑन द कंट्रोलर। सो फॉर दैट इफ एम्बेडेड लिनक्स इज यूज, सो वेयर द मोस्ट सर्वर पैकेजेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन द सेम वे एज इन नॉर्मल लिनक्स, ठीक है, तो नॉर्मल लिनक्स में जो भी लाइब्रेरीज या पैकेजेस है, ठीक है, दे आर सेम एज इन दिस एम्बेडेड लिनक्स लाइक दैट। सो द ट्रिकेस्ट पार्ट इज लाइकली टू बी वर्क आउट हाउ टू रिकम्पाइल अ लाइब्रेरी फॉर योर टारगेट प्रोसेसर इफ प्री बिल्ड वर्जन इज नॉट रेडीली अवेलेबल फॉर योर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिकी पार्ट जो है इसमें कि जब भी हम प्रोग्राम को रिकम्पाइल करेंगे, ठीक है, सो अ लाइब्रेरी ऑफ योर टारगेट प्रोसेसर, तो जो भी टारगेट प्रोसेसर होगा, ठीक है, बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर एंड ऑल्सो द माइक्रोकंट्रोलर, तो जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको टारगेटेड डिवाइस सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कंट्रोलर या जो प्रोसेसर आप प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो लाइक दैट, तो वो आपको सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ अ टारगेटेड प्रोसेसर एंड उसके लिए लाइब्रेरी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, सो दैट इज़ अ प्री बिल्ड वर्जन इज़ नॉट रेडीली अवेलेबल फॉर योर सिस्टम, ठीक है, देन वी चेक द दैट टारगेटेड प्रोसेसर ऑन दैट सॉफ्टवेयर एंड चेक इट्स आउटपुट लाइक दैट। सो इन अदर हैंड द माइक्रोकंट्रोलर्स आर स्टिल टू रिसोर्स कंसंट्रेटेड, सो जस्ट पुल इन मेन स्ट्रीम ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरीज एंड कोड, ठीक है। तो माइक्रोकंट्रोलर में भी हम इसी तरह से कर सकते कि जो टारगेटेड डिवाइस है उसके लिए जो रिसोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, जो भी मेन स्ट्रीम ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे यूज़ हो रहा है दैट इज़ RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, तो उसके रिलेटेड जो भी लाइब्रेरीज है एंड कोड, ठीक है, तो उसमें हम सी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते, जावा इज़ ऑल्सो यूज इन केस ऑफ कोडिंग इन द माइक्रोकंट्रोलर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज यू माइट बी एबल टू यूज़ द कोड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर राइटिंग यूर ओन वर्जन, ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर कोड हम राइट करेंगे, ठीक है, सो दैट इज़ एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बट इफ डज नॉट लॉट्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन और एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग इट्स बेटर फाइंडिंग वन, ठीक है, एंड फॉर दैट द मेमोरी एलोकेशन विल बी हैपन इन टू द मेमोरी ऑफ अ प्रोसेसर आर अ कंट्रोलर, ओके, एंड दैट एलोकेशन विल बी अ डायनेमिकली, ओके, लाइक दैट। सो दीज आर द सम बेसिक्स व्हाई वी नीड द लाइब्रेरीज इन केस ऑफ माइक्रोकंट्रोलर और इन केस ऑफ प्रोसेसर। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइब्रेरीज मीन्स टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल फॉर द कोडिंग इन माइक्रोकंट्रोलर। सो द फर्स्ट इज LWIP, so LWIP means lightweight IP, its long form is a L for light
W for weight, IP. So it's a full TCP IP stack which runs on low resource condition. ठीक है, तो LWIP जो लाइट वेट IP है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस TCP IP प्रोटोकॉल. ठीक है, TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ TCP एज वेल एज IP प्रोटोकॉल स्टैक विच रन ऑन द लो रिसोर्स कंडीशन, मीन्स जिसमें कम से कम जो रिसोर्सेज अवेलेबल है. ठीक है, तो वहाँ पे LWP IP लाइब्रेरीज का यूज़ वहाँ पे हो सकता है. सो इट रिक्वायर्स ओनली 10 KB ऑफ रैम एंड अराउंड 40 KB ऑफ रॉम और फ्लैश. ठीक है, तो इसके लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट या मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो आपका 10 KB रैम है. ठीक है, और इन केस ऑफ रॉम और फ्लैश इट विल बी अ 40 KB. सो दैट इज़ द रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी फॉर दिस लाइटवेट आईपी लाइब्रेरी. सो द ऑफिशियल आर्डिनो वाईफाई शील्ड यूजेस अ वर्जन ऑफ दिस लाइब्रेरी. ठीक है, तो ये जनरली यूज़ होता है आर्डिनो में. तो आर्डिनो में हमें पता है कि आर्डिनो यूजेस द माइक्रोकंट्रोलर. सो इन दैट फॉर यूज़ ऑफ दिस वाईफाई मीन्स इंटरनेट इट यूजेस दिस लाइटवेट आईपी लाइब्रेरी. सेकेंड वन विल बी द यूआईपी. सो यूआईपी और माइक्रो आईपी. ओके, सो दिस यू इज माइक्रो एंड दिस इज आईपी. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ लाइब्रेरी दैट इज अ टीसीपी आईपी स्टैक टारगेटेड एट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सिस्टम. ओके, सो दिस माइक्रो आईपी इज अ टीसीपी आईपी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एज वेल एज इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट स्टैक इज टारगेटेड टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सिस्टम. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सिस्टम के लिए जनरली ये लाइब्रेरी यूज होती है. इट कैन इवन रन ऑन सिस्टम विथ ओनली कपल ऑफ किलोबाइट्स ऑफ रैम. ठीक है, तो इसका जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है रैम का, सो दैट कैन बी अ फ्यू KB. ओके, फ्यू किलोबाइट्स रैम इज सपोज अवेलेबल ऑन योर माइक्रोकंट्रोलर ऑन योर प्रोसेसर. सो एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ लाइब्रेरी कैन ऑल्सो बी रन. सो इट डज दिस बाय यूजिंग एनी बफर्स टू स्टोर इनकमिंग पैकेट और आउटगोइंग पैकेट विच हैव नॉट बीन एक्नोलेज. ठीक है, तो इसमें बफर यूज होता है. सो इट डजेंट हैव एनी बफर्स टू स्टोर द इनकमिंग पैकेट्स एंड आउटगोइंग पैकेट्स. तो इसमें जो है बफर का यूज़ नहीं होता है. बफर इज़ अ वन ऑफ टू टाइप ऑफ मेमोरी. ओके, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज. ठीक है, तो इसमें जो भी पैकेट्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स रहेंगे दे कैन नॉट बी स्टोर इन द बफर. सो विच डजेंट हैव एनी एक्नोलिजमेंट. थर्ड टाइप ऑफ लाइब्रेरी इज अ UCLibs. So that UCLibs is a version of standard GNUC library that is glibc targeted at the embedded Linux system. ठीक है, तो ये जो वर्जन है UCLibs is generally used for the embedded Linux system. ठीक है, तो इसका जो targeted device है that is embedded and the operating system is a Linux operating system is used over there. So it requires far fewer resources than glibc. ठीक है, तो इसके लिए जो रिसोर्सेज है मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ रैम रॉम मेमोरी विल बी अ वेरी लेस एज कम्पेयर टू दिस glibc. ओके, सो चेंजिंग कोड टू यूज इट नॉर्मली जस्ट इन्वॉल्व द रिकम्पाइलिंग द रिसोर्स कोड. ठीक है, तो इसमें अगर हम चेंज या कुछ अपडेट्स करते हैं सिंपली प्रोग्राम में या कोड में, सो इट नॉर्मली इन्वॉल्व द रिकम्पाइलिंग द रिसोर्स कोड. तो जो भी रिसोर्स कोड होगा, ठीक है, उसे हमें जस्ट रिकम्पाइल करना है. सो दैट कैन बी अपडेट और चेंज द आवर न्यू कोड लाइक दैट. नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइब्रेरी इज द ऑटम थ्रेड्स. सो ऐटम थ्रेड्स इज अ लाइट वेट रियल टाइम शेड्यूलर फॉर एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है, तो हमें पता है कि एम्बेडेड सिस्टम जो वर्क होता है वो रियल टाइम टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है. दैट इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली यूज इन एम्बेडेड सिस्टम. सो दिस Atom Threads is a also lightweight library which is used for the real-time scheduler for the embedded system. So in that you can use it when your code get complicated enough
दैट यू नीड टू हैव मोर देन वन थिंग हैपनिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इस टाइप का जो लाइब्रेरी एटम थ्रेड्स, ये जनरली यूज़ होगा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग ऑफ अ एम्बेडेड सिस्टम व्हेन इन दैट देर आर मोर देन वन थिंग्स विल बी हैपन एट द सेम टाइम। मीन्स एक से ज़्यादा टास्क अगर परफॉर्म करने, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम में, मीन्स दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड कोड इज़ रिक्वायर्ड। सो इन दैट केस द एटम थ्रेड लाइब्रेरी इज जनरली यूज। नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइब्रेरी इज़ द बिजी बॉक्स। ओके, सो दिस बिजी बॉक्स लाइब्रेरी जनरली यूज इन यूनिक्स। सो ऑल्दो नॉट रियली अ लाइब्रेरी, बट बिजी बॉक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ होस्ट ऑफ यूजफुल यूनिक्स यूटिलिटीज़। ठीक है, तो यूनिक्स की जो यूटिलिटीज़ है या फीचर्स है, ठीक है, सो दैट कंटेंस इन द बिजी बॉक्स इन टू अ सिंगल एंड स्मॉल एग्जीक्यूटेबल एंड कॉमन एंड यूजफुल पैकेजेस टू प्रोवाइड द सिंपल शेल एनवायरमेंट एंड कमांड्स ऑन यूअर सिस्टम। ओके, सो दिस बिजी बॉक्स इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट यूजफुल यूनिक्स यूटिलिटीज इन अ सिंगल, ओके, एंड अ स्मॉल एग्जीक्यूटेबल एंड कॉमन यूजफुल पैकेजेस आर ऑल्सो इन दैट बिजी बॉक्स। सो दैट विल प्रोवाइड अ सिंपल शेल एनवायरमेंट। ठीक है, मीन्स एक ही शेल में ये टोटल फीचर्स या यूटिलिटीज़ जो यूनिक्स की वो अवेलेबल है बिजी बॉक्स में, एंड दैट कमांड्स ऑन योर सिस्टम लाइक दैट। सो दीज आर द डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल फॉर माइक्रोकंट्रोलर सिस्टम प्रोग्रामिंग फॉर द IoT डिवाइसेस। देन आफ्टर सीइंग लाइब्रेरीज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द डिबगिंग। ओके, सो इन दैट वी फर्स्ट टेक द मेथड्स ऑफ डिबगिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को किस तरह से डिबगिंग करना है, ठीक है, तो इस टॉपिक में हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट्स ऑफ राइटिंग सॉफ्टवेयर इज नोइंग योर कोड हैज अ बग, बट इट इज नॉट एट ऑल ऑब्वियस वेयर दैट बग इज़। ओके, तो सबसे जो टिपिकल पार्ट है या फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है, ठीक है, फॉर राइटिंग अ सॉफ्टवेयर इज़ कि आपके कोड में कहाँ पे एरर आ रहा है, बग मीन्स एरर। ठीक है, एंड बट इट्स नॉट एट ऑल ऑब्वियस वेयर दैट बग इज़, एंड वो कोड में कहाँ पे आ रहा है, कौन से सेक्शन में आ रहा है या कौन से लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग या टिपिकल पार्ट्स है जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर या कोड राइट कर रहे हो। ठीक है, मीन्स जैसे आप सॉफ्टवेयर या कोड राइट करते हो उसके बाद उसे कंपाइल करोगे, ठीक है, डिबग करोगे, तो डिबगिंग में क्या होगा, लाइन बाय लाइन जो कोड आपने लिखा है, ठीक है, वो चेक होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर कोई लाइन में या कोई सेक्शन में एरर आता है, ओके, तो आपको वहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट, इन एम्बेडेड सिस्टम दिस सिचुएशन कैन बी अ डबली फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज देयर टेन टू बी अ फ्यूअर वेज टू इंस्पेक्ट वॉट इज़ गोइंग ऑन एंड सो दैट यू कैन ट्रैक डाउन द इशू। ठीक है, तो इन केस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम ये और भी टिपिकल है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो वेज है टू फाइंड दिस एरर्स और बग्स वो एक ऑलरेडी लिमिटेड है। ठीक है, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रैक डाउन द एरर ऑन अ पर्टिकुलर लाइन और इन पर्टिकुलर सेक्शन इन द एम्बेडेड सिस्टम लाइक दैट। सो नेक्स्ट इज़ द बिल्डिंग डिवाइसेज फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग कॉम्प्लिकेट्स द मैटर फर्दर बाय इंट्रोड्यूसिंग बोथ कस्टम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच विल बी अ मिसबिहेविंग और इनकरेक्टली डिजाइन एंड कम्युनिकेशन विद द सर्वर अक्रॉस अ नेटवर्क। ठीक है, तो जो भी डिवाइसेज हम बिल्डिंग कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस IoT, ठीक है, तो इसकी वजह से और भी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, क्योंकि IoT में हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस जो भी सॉफ्टवेयर है दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें जो हम कस्टम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज़ करेंगे इन केस ऑफ दिस IoT प्रोजेक्ट्स, सो इन दैट इफ दे आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली सो दे कैन मिसबिहेव एंड इनकरेक्टली डिज़ाइन एंड कम्युनिकेशन विद द सर्वर्स अक्रॉस द नेटवर्क। तो उसमें जो डेटा सेंड होगा, सपोज कोई सेंसर से एक्चुएटर आपने यूज़ किए IoT प्रोजेक्ट में विद द सेंट्रल कंट्रोलर, सो इन दैट केस व्हेन दिस सेंसर और एक्चुएटर सेंड्स आउट द डेटा टू द कंट्रोलर सो थ्रू द इंटरनेट, सो
if they are incorrectly designed, the sensors and actuator, so in that case they can misbehave and send the wrong data to the server like that. So in case of modern desktop integrated development environment, that is IDE, has excellent support for digging into what is going on and while your code is running. ठीक है, तो ये जो मॉडर्न डेस्कटॉप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है IDE, ठीक है, तो जिसके अंदर या जिस प्लेटफॉर्म पे हम कोडिंग करेंगे फॉर दिस माइक्रो कंट्रोलर, सो इट हैव एक्सेलेंट सपोर्ट फॉर डिगिंग इनटू व्हाट इज़ गोइंग ऑन व्हाइल योर कोड इज़ रनिंग. ठीक है, तो ये जो मॉडर्न इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इसमें आप इजीली कोड को डिबग कर सकते हो एंड उसमें कहाँ पे बग्स या एरर्स आ रहे हैं वी कैन इजीली फाइंड. ओके, सो यू कैन सेट द ब्रेक पॉइंट्स विच स्टॉप एग्जीक्यूशन व्हेन प्री डिफाइंड सेट ऑफ कंडीशन इज मेड. ठीक है, तो आप जो डिबगिंग करोगे, ठीक है, मीन्स आप जब कोड राइट करोगे, उसे कंपाइल करोगे, कंपाइल करने के बाद उसे टेस्ट करोगे, तो उसके लिए डिबगिंग एक प्रोसेस है. तो डिबग जब करोगे आप, तो उसमें आप ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे सेटअप कर सकते हो. ठीक है, मीन्स आपका आपने जो कोड लिखा है उसमें अलग अलग सेक्शंस है. ठीक है, सपोज इट इज़ सेक्शन 1, सेक्शन 2 इज़ देयर, सेक्शन 3 इज़ देयर, लाइक दैट. ठीक है, तो आप सेक्शन 1 में क्या कर सकते हो, एक ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो फर्स्ट, एंड उसके बाद डिबगिंग स्टार्ट करोगे तो वो क्या करेगा, पहले लाइन बाय लाइन फर्स्ट सेक्शन चेक करेगा, अगर इसमें कोई एरर है, ठीक है, किसी लाइन में, तो ये आपको यहाँ पे इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देगा. ठीक है, उसके बाद सेकंड ब्रेक पॉइंट आप यहाँ पे लगा सकते हो, सेकंड सेक्शन में एंड इन थर्ड सेक्शन. ठीक है, लाइक दैट. तो इस तरह से आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हो, एट विच पॉइंट यू कैन पोक अराउंड इन मेमोरी एंड टू सो व्हाट कंटेंट्स इट. ओके, तो इसमें आप कंटेंट चेक कर सकते हो कि उस टाइम मेमोरी में कौन से वेरिएबल या मेमोरी में क्या डेटा प्रोसेस हो रहा है ड्यूरिंग दिस ब्रेक पॉइंट. सो इवेल्युएट द एक्सप्रेशन टू सी वेदर योर अजम्पशन आर करेक्ट एंड देन स्टेप थ्रू द कोड लाइन बाय लाइन टू वॉच व्हाट हैपन. ठीक है, तो उसके बाद ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद आप उसको लाइन बाय लाइन चेक कर पाओगे कोड को. ठीक है, इस आप जैसे एंटर प्रेस करोगे तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा एंड उसके रिगार्डिंग मेमोरी में जो भी डेटा प्रोसेस होगा वो भी आप ऑनलाइन वहाँ पे रियल टाइम में देख सकते हो. ठीक है, लाइक दैट. तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से लाइन में एरर है या आपने जो कोडिंग किया है, जो अजम्पशन आपने किए, दैट विल बी अ करेक्ट और नॉट इन योर कोडिंग, लाइक दैट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिबगिंग एनवायरनमेंट फॉर एम्बेडेड सिस्टम इज यूजुअली मोर प्रिमिटिव. सच एम्बेडेड लिनक्स यूजुअली हैव अ सपोर्ट फॉर रिमोट डिबगिंग विद द यूटिलिटीज सच एज GDB एंड द GME डिबगर इज देयर. ओके, सो दिस यूटिलिटी अलोज यू टू अटैच द डिबगर फ्रॉम योर डेस्कटॉप सिस्टम टू द एम्बेडेड बोर्ड, यूजुअली ओवर अ सीरियल कनेक्शन बट समटाइम्स ऑल्सो ओवर एन इथरनेट और सिमिलर नेटवर्क लिंक. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिबगिंग है, यू कैन अटैच द डिबगर फ्रॉम योर डेस्कटॉप सिस्टम टू द एम्बेडेड बोर्ड. तो जो भी एम्बेडेड बोर्ड आप यूज़ कर रहे हो प्रोजेक्ट में, लाइक आर्डिनो, सो यू कैन कनेक्ट दिस आर्डिनो विद द डेस्कटॉप सिस्टम बाय यूजिंग द सीरियल कनेक्शन, लाइक USB इज ऑल्सो यूज. ओके, बट समटाइम्स ऑल्सो ओवर एन इथरनेट, जैसे आप उसे इथरनेट थ्रू या इंटरनेट थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो और सिमिलर नेटवर्क लिंक के जरिए भी या लैन केबल थ्रू भी आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका हार्डवेयर बोर्ड है विथ योर डेस्कटॉप सिस्टम फॉर डिबगिंग पर्पज. ठीक है, सो दैट इज़ द कनेक्टिविटी. वंस इट इज़ अटैच यू कैन हैव एक्सेस टू द रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज सिमिलर टू द डेस्कटॉप डिबगिंग. तो एक बार ये बोर्ड अटैच होने के बाद सिस्टम के से, तो आप उसमें वराइटीज ऑफ डिबगिंग प्रोसेस या ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो, लाइक द एबिलिटी टू सेट ब्रेक पॉइंट्स. तो जैसे हमने देखा कि हम ब्रेक पॉइंट ऐड कर सकते हैं डिबगिंग में. ठीक है, इस लाइन बाय लाइन हम क्या कर सकते हैं, कोड को चेक कर सकते हैं एंड उसके रिगार्डिंग मेमोरी में क्या क्या वेरिएबल्स या किस तरह से प्रोसेसिंग हो रहा है डेटा, वी कैन चेक इट. सो सिंगल स्टेप थ्रू द कोड
एंड इंस्पेक्ट द वेरिएबल्स एंड मेमोरी कंटेंट्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है। अनदर वे टू गेट एक्सेस टू द डेस्कटॉप ग्रेड डिबगिंग टूल इज टू इमुलेट योर टारगेट प्लेटफॉर्म ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है। तो जिस तरह से डिबगिंग होता है उसी तरह से इमुलेशन प्रोसेस भी है, बिकॉज यू आर देन रनिंग द कोड ऑन योर डेस्कटॉप मशीन, यू हैव टू एक्सेस द सेम कैपेबिलिटीज एज यू वुड विद द डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है। तो इमुलेशन प्रोसेस में भी सेम थिंग है लाइक डिबगिंग। वी कैन अगेन सेट द ब्रेक पॉइंट्स एंड चेक आउट द चेंजेस हैपन इन टू द मेमरी विद द कोड। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ यू नीड ऑन द हार्डवेयर डिबगिंग एंड योर प्लेटफॉर्म डजंट अलो टू यूज दिस GDB, सो JTAG एक्सेस माइट गिव यू अ कैपेबिलिटीज यू नीड। सो JTAG इज नेम आफ्टर द इंडस्ट्री ग्रुप विच केम अप विद द स्टैंडर्ड दैट इज जॉइंट टेस्ट एक्शन ग्रुप, सो दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस JTAG, ठीक है। तो अगर आपको हार्डवेयर डिबगिंग करना है एंड योर प्लेटफॉर्म डजंट अलो यू टू यूज द जिस GDB, सो एट दैट टाइम यू हैव द ऑप्शन ऑफ यूजिंग दिस JTAG, यू कैन डू द डिबगिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट टेस्ट एक्शन ग्रुप। सो इनिशियली इट वॉज डिवाइस टू प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ सर्किट बोर्ड टू बी टेस्टेड आफ्टर दे हैड बीन पॉपुलेटेड एंड दिस इज स्टिल एन इम्पोर्टेंट यूज, ठीक है। तो पहले JTAG जो यूज होता था वो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसके टेस्टिंग के लिए यूज होता था, ठीक है। सो JTAG हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू प्रोवाइड मोर एडवांस डिबगिंग फीचर, सच फीचर्स अवेलेबल वेन कनेक्ट टू सम सॉफ्टवेयर ऑन अ सेपरेट PC कॉल्ड एज इन सर्किट इम्यूलेटर दैट इज IC, ठीक है। तो JTAG में जो भी डिबगिंग फीचर्स अवेलेबल है सो दे कैन कनेक्ट टू सम सॉफ्टवेयर ऑन अ सेपरेट PC, ठीक है। तो आप उसे एक सेपरेट PC पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज अ इन सर्क्यूट इम्यूलेटर दैट इज IC, एंड फ्रॉम दैट यू कैन डिबग योर प्रोजेक्ट, ओके। सो दिस अलो यू टू यूज द एडिशनल कंप्यूटर टू सेट द ब्रेक पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको अलो करता है वी यूज द एडिशनल कंप्यूटर टू सेट अप द ब्रेक पॉइंट सिंगल स्टेप थ्रू द कोड रनिंग ऑन द टारगेट प्रोसेसर एंड ऑफन एक्सेसेस द रजिस्टर एंड रैम टू, ठीक है। तो इसमें हम एक एडिशनल कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं टू सेट द ब्रेक पॉइंट्स इन आवर कोड, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने ब्रेक पॉइंट क्या होता है ये डिटेल में देखा है, ठीक है। एंड थ्रू दैट वी कैन एक्सेस द डिफरेंट रजिस्टर ऑफ अ माइक्रोकंट्रोलर एंड चेक द डेटा इन द रैम ऑल्सो। सो सम सिस्टम इवन अलो यू टू ट्रिगर एंड डिबगर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर इवेंट्स विच गिव्स यू इवन बेटर कंट्रोल एंड एक्सेस दैन द डिबगर सच एज GDB, ठीक है। तो कुछ जो डिबगर्स है, ठीक है, सो दे कैन यूज फॉर द कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर इवेंट विच गिव्स यू द बेटर कंट्रोल ऑन दैट कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड डिबगिंग। सो दीज आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द डिबगिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ यूनिट का जो पार्ट ए, ठीक है, दैट इज टेक्निक्स फॉर राइटिंग एम्बेडेड कोड दैट इज चैप्टर नंबर 8 विल बी कंप्लीटेड। थैंक यू।